इनका दादा राम सर की जय बोलेंगे आप हैं। बोलो मेरे बालको, बोले दादा राम सर महाराज की। आदरणीय छोटा भाई तन प्रताप बेदी, हमारे सरस्वती स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के जो भी सदस्य हैं, श्री देवी सिंह जी, सतवीर सिंह जी, सत्यवान जी, मेहर सिंह जी और राजेंद्र जी, जिन्नत मैम प्रिंसिपल, शमशेर जी जो प्राइमरी के प्रिंसिपल हैं, संभालते हैं, और जितना भी स्टाफ है मेरे काम के चाचे था वो माँ बैठो रात, तो मेरे माँ मेरे बाबू भी आ रहे हैं जी, बोलना घना औखा मेरे खातर। तो भाई सभी ने राम राम मेरे काम गुआंड के, जितने भी भाई अरे सतपत साहब आए मेरे काम के, मेरे गुआंड के, आपको भी मेरा प्रणाम है। आज कोई कलाकार वाली बात तो मुश्किल ही लिखेगी, खुली खुली बात जो दिल में आओगी ना, मैं कुछ तैयारी करता रहा, भगवान का संबंध निवर्मा के बोलूंगा, पर मैं बोलना शुरू करता हूँ, जो भी दिमाग में आओगे मैं बोल दूंगा, बड़का खातर भी कुछ बोलूंगा, बुजुर्ग खातर भी, लगभग बात केड़ी भाई ने बोलते, केड़ी भाई खातर जोरदार तड़िया बजा दो। कुछ एक बात केडी ने जो बोली उनमें मैं कुछ एड ऑन करूंगा। भाई आपने जो भी वो मोबाइल वाला दिखाया नहीं, देखा है जो जोकर से बढ़ रहे थे बड़को, देखा नहीं आप सभी ने, समझ में भी आया उसमें क्या था, फोन का रोग, फोन का रोड़ा। अरे विदेशों में तो बच्चा पे फोन छुड़वाने खातर स्पेशल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है अपने, एक तो पढ़ाई खराब हो अपनी, एक इसका ना मेंटली दिमागी रूप से आप ना कमजोर हो जाओगे। माँ बाप से भी कहना चाहूंगा और बच्चों आप कभी हमारी एक के बात मानो, आज बाल दिवस है, ये पुराना मास्टर भी अपना स्कूल का सुन लो तो एक के बात कहना चाहूंगा, जे मैं आया हूँ, केडी भाई आया है, कर्ण भाई आए हैं, आपके बीच में तो हम भी लिखड़े थे, हम इनमें बैठा करते स्कूल में आ गए, फोन नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना दसवीं तक, छोटे बालको पक्का है नहीं आवाज, कौन 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 छेड़ा फोन में बताओ, मास्टर जी एक बार अपडेट ले लियो मेरे क्या हाल है। तो एक तो फोन बिल्कुल नहीं देखना है, बहुत बुरी बीमारी है यार। मैं अपने घर दो बच्चे हैं मेरे पे भी, उनका एक कसूता वहम हो रहा था, वो वीडियो दिखा दिखा कर मास्टर जी बालक मेंटली डिस्टर्ब हो गए, पागल हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा आपको, कर लो नीचे वो देखो नहीं फोन, पहली बात। दूसरी बात मैं माँ बाप से भी एक बात कहना चाहूंगा जी, देखो हमें इसे स्कूल में पढ़े बढ़े पूरा पढ़ाया भी, बल्कि मास्टर जी समस्या हो जाए मेरे खतर, कई बार कोई मेरा साथी दोस्त काम का बाहर था आ जाए नहीं, और जो मैंने पढ़ाए हुए बालक है मास्टर जी राम राम, और जो साथी कलाकार चौन जाए ना तो मास्टर का दू गया, तो मैंने पढ़ाया भी है। मैं यही कहना चाहूंगा माँ बाप का, देखो हमने मन्नर केडी ने शुरुआत करी तो इतना अपग्रेड जमाना नहीं था, इस लाइन ने भी बहुत कमजोर माना करते, कोई लाइन कमजोर नहीं हुआ, अपने बड़का पे अपने भरोसा करना चाहिए, जिस भी फील्ड में आपके बालक आगे जाना चाहो उनका हौसला बनो, उनका सहयोग करो, वो जरूर आपका नाम रोशन करेंगे। और आज मैं बहुत सम्मान मिले, मैं आत्मा से ये बात करना चाहता हूँ, दादा राम सर को साक्षी मान के, बहुत विदेशों में भी सम्मान ही रेडी भाई, और अपना देश के हर कोने में हमको सम्मान मिला है, पर जो सम्मान आज सरस्वती स्कूल ने दिया है ऐसा मुझे कभी नहीं मिला, जोरदार ताड़ियां सरस्वती संस्था के लिए। और यहाँ से आप दोनों मैं और केडी भाई कलाकार काटे, स्पोर्ट्स पर्सन जो मेहर सिंह जी ने बताया, इंटरनेशनल चाचा राजेंद्र जी कोच है, व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी खुशी होती है अपने घर से जब अनेकों बालक अपने इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आईएएस भी निकला चाहिए मैडम कह रही थी, और बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, तो आपकी इस मिट्टी को प्रणाम करा करो बालको, दादा राम सर की भूमि है, सरस्वती माता का यह मंदिर है, यहाँ से बहुत ऊंचे ऊंचे खिलाड़ी कलाकार और भी हर एक क्षेत्र में बाढ़ गए हैं, ठीक है मास्टर जी। मैं कहना चाहूंगा आपकी सभी मैनेजिंग कमेटी से, आपको तो और भी ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, जो सीमित साधनों में आप काम कर रहे हो ना, ऊंचा ऊंची दुकान फीका पकवान मैं शहरों में देखता हूँ, अनेकों महंगे महंगे स्कूल है जी, फीस भी बड़ी महंगी, और आप थोड़ी सी फीस में और जो सीमित साधन है उनमें शिक्षा के क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जो सरस्वती स्कूल आज काम करे, उन्होंने सोचे भाई यार हम परिवार के सदस्य हैं या स्कूल में सम्मानित हुए हैं तो इसलिए कह रहे हैं, नहीं सच में सरस्वती संस्था इस पूरे क्षेत्र की शान है, एक बार सरस्वती स्कूल की तालियां बजा दो। ज्ञान की बात करके लोड को नहीं, एक गाना सुनाऊंगा, मास्टर जी कह रहे थे कुछ माँ पे भी गाना है,
भाई देखो मैंने चार लाइनें लिखी थी वहां पे, मैं वो सुनाऊंगा। मेरी माँ जब मुझसे दूर होई, जिसकी माँ गुजर जाती ना उस बच्चे पे क्या बीतती है वो सुनना। आपकी माँ है तो कदर करा करो। मेरी माँ जब मुझसे दूर होई, मेरी रूह चकना चूर होई, ना प्यार मिला किते माँ बरगा, मां ठंडी छांसी होया करे। लाख हो जाओ काकी ताई, माँ तो माए होया करे। अच्छा मेरे को चेहरे कारी सुनाऊंगा मैं, जो बच्चा खाता लिखी थी मैंने कदे। मेरे याद बहुत आवै यारो दिन बचपन आड़े, वा यारा की टोली रजित पाटा करते चाड़े। वे आंगन नोरे रे जित खेली लुक मिचाई, आलना किकर आला जित चिड़िया तैयारी लाई। मन झोली देवे से बूढ़े पिपल के डाले, मेरे याद बहुत आवै यारो दिन बचपन आड़े। वे दिन कैसे भूलू खाई माँ के हाथ की रोटी, वा बड़ो का दूध पियाती कवे बद जागी तेरी चोटी। रब भर के बाबू ने कंधे पे बिठा के पाले, मेरे याद बहुत आवे यारो दिन बचपन आले। इता मिला गया हम रिश्वत लेते थे, उसका कुसा रोड़ा करता अगर मैं बताऊं। रोका गुड़ को ना हुआ है चीज लेकर आए पीछे लेकर अगर क्या है, हाथ खड़े करो ही पुन करो करो बताओ। हम रिश्वत लेते थे स्कूल में जाने की, स्कीम बनाते थे हो टाल नहाने की। बढ़ाओ मेरी डाटा में आज मेरे नूर है, आज नूर है। हम रिश्वत लेते थे स्कूल में जाने की, स्कीम बनाते थे हो टाल नहाने की। ये बात भी लेने पर मजा हो तो किल्की मार दियो ठीक है। हम रोज दुआ करते इन स्कूलों के फिर जाता आड़े, मेरे याद बहुते आवे यारो दिन बचपन आड़े। हम भी सोचा करते प्रोस को भूलो मर जंदा मेरे जी सदर नहीं तुझे आज छुट्टी होगी स्कूल की सही है बड़ा मेरे। तो भाई ये तो 84 बजा की बातें थी सभी मेरे गुरुओं को, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ मैं इनसे पढ़ा भी था और मैं इनके साथ पढ़ाने का मौका भी मिला। बल्कि कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई भी बालक कहीं भी जाके कामयाब हो सकता है। अपने माँ बाप पे माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है और अपनी लगन और मेहनत पे ध्यान देना है। कोई भी बड़ी चीज नहीं है, मैंने और कभी नहीं सोचा था। मैं अपने बताऊँ हमें कलाकार ना दूर दूर जाके देखना आ करते केडी ने भी देखा गया हो मेरे बड़ी गाँव में प्रोग्राम था मैं केडी ने भी क्या होंगे। कोई बड़ी बात नहीं, एक दो अच्छा स्टेप आपने उठाना है, माँ बाप को ध्यान में रखते हो उनकी मेहनत को आपने जाया नहीं जाने देना है। और चार महीने आखिरी में बुढ़िया खतर कह के दूंगा, यह पछड़ी नहीं दांत से भी अगड़ी होती है, ये पछड़ी नहीं दांत से भी अगड़ी होती है, थाके थाके में इज्जत तगड़ी होती है और खून से भी नहीं दूर पाते इस पर लगे दाग। बेटियों आपके लिए, खून पे भी नहीं दूर पाते इस पर लगे दाग, हाँ बड़को वो अपने बाप दादा की पगड़ी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन संस्कृति के जितने भी मैनेजमेंट कमेटी के गुरु जी हैं और चाचा राजेंद्र जी, जितने भी आपने हमको बुलाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सम्मान शायद जी में पहले ना मिला और शायद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाडलों का दिल से।